हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनासर क्लासेस एंड शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पोइम नंबर वन, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड द नेम ऑफ द पोइम इज़ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द स्पीकर स्टैंडिंग? आपको बताना है स्पीकर यहाँ पर कौन है। नो डाउट इट्स पोइट, बट कहाँ वो खड़ा हुआ है वो आपको बताना है। सो द स्पीकर इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इंटू टू। फॉक्स का मतलब होता है डिवाइड हो रही है टू डिफरेंट डायरेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज द पॉइंट फील लाइक टेकिंग बोथ द रोड्स? पॉइंट को ऐसा क्यों लगता है कि दोनों ही रोड वो चूज करे? ही फील्स लाइक टेकिंग बोथ द रोड्स एज बोथ ऑफ देम लुक इक्वली प्रॉमिसिंग। वो कहते हैं मुझे दोनों ही अच्छी लग रही हैं, ऐसा लगता है कि दोनों रोड पर जो है चला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डाउट इन द पॉइंट्स माइंड? पोइट के माइंड में क्या डाउट है? द पोइट नोज दैट वन रोड लीड्स टू अनदर एंड वन कैन नेवर होप टू कम बैक टू द पॉइंट विच वन हैड लेफ्ट इन द पास्ट। और ये बात भी उसे पता है कि अगर हम एक जगह छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ वापस आना बहुत मुश्किल है लाइफ में। सो द पोइट इज डाउटफुल वेदर ही विल एवर रिटर्न टू टेक द अदर रोड और नॉट। उसको ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या वो दोबारा आ पाएगा उस रोड को लेने के लिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, What would the speaker be telling? Speaker आपको क्या बता रहा है, क्या बता रहा होगा ये देखना है आपने। The speaker would be telling that he opted for a less frequented path for his journey. Less frequented होता है जो कम लोगों ने यूज़ किया है अपनी जर्नी के लिए, जर्नी की लाइफ, कौन सी जर्नी जो है, जर्नी ऑफ लाइफ। सो क्वेश्चन नंबर फाइव, Why would he say it with a sigh? वो ये बात एक साई के साथ क्यों बता रहा है? साई क्या होता है, जब आप ठंडी सी आह भर के किसी बात को करते हैं। तो ही वुड से इट विद ए साई इंडिकेटिंग हिज रिग्रेट एट द चॉइस। इससे पता लगता है उसे अपनी चॉइस पर में भी दुख हो रहा होगा कि उसने बहुत गलत किया अगर ऐसा रास्ता चूज किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? एज अ सिंबल द रोड सिग्निफाइज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। रोड यहाँ पर जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइफ में उस चीज़ को सिग्निफाई करती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, डिस्क्राइब द टू रोड्स दैट द ऑथर फाइंड्स। अब आपको बतानी है वो डिफरेंट रोड्स जो ऑथर को मिलती हैं। वाइल वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट द पोइट कम्स अक्रॉस अ पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू। जहां रोड जो है टू डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। एंड बोथ द रोड्स आर कवर्ड विद फॉलन लीव्स। दोनों रोड जो हैं वो कवर हैं किसी से गिरे हुए पत्तों से। सो वन गोज इन द अंडरग्रोथ एज फार एज वन कैन सी एंड द अदर सीम्स टू बी लेस ट्रेवल्ड एंड ग्रासी। एक तो ऐसी रोड है जो आप कह सकते हैं कि जितनी दूर तक आप देख सकते हैं आपको दिख रही है, और दूसरी वो है जो लेस ट्रेवल्ड है और बहुत सारी ग्रास वहाँ पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच रोड वुड यू चूज एंड वाई? ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर भी जो देना है वो पर्सनल लेवल पर देना है, आपको कौन सी रोड जो है आपको चूज करोगे। सो आई वुड चूज द रोड या सेकेंड रोड दैट इज़ द रोड चोजन बाई लेस नंबर ऑफ ट्रेवलर्स। आई नो इट वुड बी चैलेंजिंग, कि ये पता है चैलेंजिंग होगी, बट वट वुड बी ए लाइफ विदाउट चैलेंजेस एंड एडवेंचर्स। तो बिना एडवेंचर के या बिना चैलेंज के लाइफ को हम क्या माने? सो आई नो आई कैन मीट द चैलेंजेस एंड ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड देन Why to go that way which is beaten, outdated and devoid of thrills? तो क्यों ऐसा रास्ता चूज़ किया जाए जिसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल भी ना हो, या पुराना रास्ता हो, चूज़ किया हुआ हो पहले लोगों के द्वारा, ऐसा रास्ता क्यों चूज़ किया जाए? क्वेश्चन नंबर एट, डज द स्पीकर सीम हैप्पी अबाउट हिज डिसीजन? द स्पीकर डजंट सीम टू बी हैप्पी अबाउट हिज चॉइस। ही रिग्रेट्स टू हैव टेकन अप द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड। वो कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा रोड चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल्ड है। एंड दैट इज़ वाई ही टेल्स अबाउट हिज चॉइस विद ए साई एंड सेज दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कहता है देखो गलती तो हुई है बट फिर भी ये डिफरेंस जो है मेरी लाइफ में आया, मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में भी ऐसा वो चेंज आए, इसलिए वो आपको बताना चाहता है पोइट। द पोइट सेज आई लुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। सो वट इज़ द डिफरेंस दैट द पोइट मैंशंस? द पोइट चूज द सेकेंड रोड जो कि लेस ट्रेवल्ड था and he decided to follow a direction that was different from the others. So it changed the entire course of his life and he admitted that has made all the difference. और कहता है कि मैं ये बात को एडमिट करता हूँ कि इसी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज ला दिया था।
राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द पोइम, आपको इस पोइम का जो थीम है वो बताना है. यानी थ्रू द पोइम द रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्पीक्स ऑफ वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस, द करेक्ट डिसीजन. देखिए, हर किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसको कन्फ्यूजन रहता है कि ये डिसीजन चूज़ किया जाए या ना किया जाए. और जो डिलेमा है फेस बाय द पॉइंट इन मेकिंग इज चॉइस इज द डिलेमा दैट वी ऑल फेस एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ. और ये वो डिलेमा है जो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस करते ही हैं. सो दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल द रोड नोट टेकन. जो टाइटल है वो बच्चों बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जस्टिफाइड है. इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द थीम ऑफ द पोइम एंड ऑल्सो शोज द पोइट्स रिग्रेट फॉर द चॉइस मेड इन द पास्ट. ऑल्दो अ सिंपल इवेंट, द पोइम describes a large perspective of choices made in life and analysis. और साथ में हमें क्या बताती है, different analysis को, कौन से analysis of the choices later in the life. So the road symbolizes opportunities, the road not taken signifies the opportunities not availed in life and the poet's regret thereon. सो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. सो आई फील दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स. हैव अ नाइस डे.